एक्टिंग का मतलब होता है एक्टिंग ना करना। कैसे? नेचुरल रहना। लेकिन एक ऐसा टास्क मैं आपको दूंगा अभी कि जिसको करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि वाकई एक्टिंग करते वक्त कितने नेचुरली आप एक्टिंग कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। कुछ समय बाद जैसे आपका एक्ट शुरू होगा, शुरू होने के कुछ देर तक आपको लगेगा, लेकिन एक समय के बाद आपकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़बरदस्त हो जाती है उसमें, उस सिचुएशन में, कि आपको खुद को भी पता नहीं चलता कि आप एक्टिंग कर रहे हो। और वही टास्क हम लोग आज करेंगे। करना चाहोगे तुम लोग? एक एक को मैं बाहर बुलाऊंगा, एक सिचुएशन बताऊंगा, पार्टनर को भी एक बैकग्राउंड दूंगा, उसके बाद दोनों अंदर आएंगे, अपना एक्ट शुरू करेंगे। जब तक मैं ना रुकूं तब तक रुकना नहीं। योर फादर जो चर्च में होते हैं ना, फादर जो गाइड करते हैं लोगों को, लोग आके पूछते हैं फादर मेरा ये प्रॉब्लम है, वो फादर को देख नहीं सकते लेकिन बात कर सकते हैं, है ना, कन्फेशन। और एक लड़का चर्च में आता है और चर्च में आने के बाद वो बताता है कि मेरे से परेशान है, वो रो रहा है, परेशान है, क्या हुआ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो बात ये हुई है कि उसने 4 साल की बच्ची का रेप कर दिया उस लड़के ने, और बहुत डरा हुआ है, पुलिस उसके पीछे है, कभी भी पुलिस चर्च में आ सकती है, उसको पकड़ के लेके जा सकती है। फादर को तो गाइड करना ही है किसी भी हालत में। तो व्हाट यू विल गाइड? सर मैं तो उसको यही बोलूँगा कि हवाले हो जाओ, पुलिस के हवाले जाओ, क्योंकि सज़ा आज नहीं तो कल मिलनी है, तुमने जो किया है और करना किया ही है उसने, 101% किया है, तुझे पक्का पता है, क्योंकि तू लोगों के बातों से पहचान जाता है। सो अब तेरा मॉरल, तू एकदम एथिक्स वाला आदमी है, प्रिंसिपल वाला आदमी है, तो तू कैसे उसको गाइड करेगा, किस तरीके से उसको हैंडल करेगा, वो सब इस एक्ट में देखा जाएगा। तेरा एक जुड़वा भाई है, वो बहुत ये हो गया, क्या बोलते उसको, चरस, गांजा, ड्रग्स और सब के चक्कर में वो नशेड़ी, लेकिन दोनों सेम टू सेम दिखते हो, दोनों सेम टू सेम दिखते हो। और उसने क्या किया, गली मोहल्ले में रहने वाले लोग हो तुम, झोपड़पट्टी तरह आना रहे, उसने एक 4 साल की बच्ची का रेप कर दिया, और रेप करने के बाद वो उसको पुलिस कभी भी पकड़ सकती है और कुछ भी कर सकती है, लेकिन हुआ ये कि वो हो गया अंडरग्राउंड, वो गायब हो गया और पुलिस तेरे पीछे पड़ गई। अब तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कि हो क्या रहा है, मतलब मेरे भाई ने जो किया उसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूँ, और पुलिस को ये पता नहीं ना जुड़वा है, उनको तो ये लगता है कि किलर जो है, तू झूठ भी बोल सकता है ना। तो तू भागते भागते एक चर्च में घुस जाता है, चर्च में जो फादर होते हैं, पादरी, वो एक जो लगाई हुई होती है, एक जाली लावलेली असते, उसके सामने वो लोग होते हैं और उनसे बात करते, कन्फेशन, कि फादर ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे भाई ने ऐसा ऐसा किया, लेकिन इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया, वो तो चला गया कहीं पर, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मैं क्या करूँ फादर, आप समझाइए फादर, उन्हें पुलिस कभी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, फादरला तू कसा कन्विंस कर सक। और सोच पुलिस पीछे लगे हुए, बलात्कार का आरोपी है, कुछ भी हो सकता है, पूरे गली मोहल्ले में ढूंढ रहे तुझे, वो क्रिमिनल तू है ही नहीं, तेरा भाई है और सेम दिखता है तेरे जैसा, बट जो गलत इल्ज़ाम लगाए, लेकिन भाई का सीन ऐसा और है, मैं प्रूफ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरा जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई है, एक तरफ भाई के लिए भी केयर है तुझे, लेकिन तू तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना, तू तो फांसी हो जाएगी ना तुझे बगैर कुछ किए, और मुझे पता नहीं कि मेरा भाई कहाँ पे, गायब, वो गायब हो गया, उसको कोई लेना देना नहीं किसी बात। सो ये सोचने का कि ये जो बताया हुआ है सर ने सचमुच है, सब सच है, और फादर को अगर विश्वास आ जाए कि हाँ सच में तूने किया ही नहीं है, तो शायद फादर पुलिस वाले से बात करे तो पुलिस वाले मान सकते हैं। फादर मुझे बचा लीजिए फादर।
क्या हुआ, व्हाट हैपेंड सर? फादर मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। क्यों, क्या हुआ? फादर घबराओ मत सर, वो बोल रहा मैंने रेप किया। मैंने रेप नहीं किया फादर। ठीक है ठीक है, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, गॉड विल हेल्प यू, शांत हो जाओ। फादर आप कुछ करिए फादर, वो कहते मैंने 4 साल की बेटी का रेप किया सर। फादर मैंने नहीं किया, मेरा एक छोटा भाई है उसने किया होगा, मैंने नहीं किया फादर। ओके ओके, गॉड विल बी हियर, ओके, शांत रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, फादर तुम्हारी हेल्प करेंगे, आओ बैठो यहाँ पे बैठो। फादर पुलिस आ जाएगी फादर, बैठो। बताओ क्या हुआ? मेरा एक छोटा भाई है, उसने 4 साल की बेटी का रेप किया है, और मेरा जुड़वा भाई है वो, और वो बोल रहे मैंने रेप किया पुलिस। Do you know तुम कहाँ हो? तुम चर्च में हो, तुम्हारी हेल्प करने के लिए प्रभु यहाँ पे हैं। तुम डरो मत, जो सच है वो कहो, बस सच्चाई के साथ रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम सच कहते हो, तुम अगर सच राह पे चलते हो, तो फादर तुम्हें कुछ भी नुकसान होने नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? तो तुम मुझे बताओ, क्या तुमने ये किया है? नहीं फादर, मैंने नहीं किया फादर, मैं ये कर ही नहीं सकता फादर, मैंने नहीं किया है, मेरे छोटे भाई ने किया है। डोंट लाई, आई कैन सी यू इन योर आईज दैट यू आर लाइंग मी। तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, पर क्या अपने आप से झूठ बोल सकते हो? फादर मैंने सच में नहीं किया फादर। अपने आप से झूठ बोलना, ये पुलिस की सजा से भी बहुत बड़ी सजा मिलती है जो फादर देते हैं, जो जीसस देते हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि हम खुद से झूठ ना कहें। तुम घबराओ मत, वो यहाँ तक नहीं आ सकते, वो यहाँ नहीं आएंगे, और अगर आ भी जाते हैं तो वो मेरे इजाजत के बिना तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। तो जीसस ने हमें कहा है, हम अगर सच्ची राह पे चलते हैं, अगर हम सच्चे काम करते हैं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर हम झूठ का सहारा लेते हैं तो हम उतने ही पीछे चले जाते हैं, और उसका उसकी जो सजा होती है वो उतनी भयानक होती है। तो तुम झूठ मत बोलो, सच बताओ। फादर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। फादर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जुड़वा भाई ने किया, मैं नहीं किया फादर। चलो मैं मानता हूँ, यही लगता है कि मैंने ही किया। मैं मानता हूँ तुम्हारे भाई ने किया, अगर आज उसे पुलिस पकड़ती है और उसे वो बयान वो नहीं लेता, वो नहीं मानता ये बात को, और अगर पुलिस की मार से अगर उसकी मौत हो जाती है, तो तुम्हें ये अंदाज़ा है कि अगर तुमने ये किया है, अगर तुमने ये किया है तो इसका पाप अलग, इसकी सज़ा अलग, और तुम अपने भाई को जिस तरह से उस रास्ते पे फंसा रहे हो, उसकी मौत हो रही है या उसे मार पड़ रही है, उसकी सज़ा अलग, वो तुम्हें इसी ज़िंदगी में काट के जानी है। आज तुम मुझसे झूठ बोलकर छिप जाओगे, आज मुझसे झूठ बोलकर तुम पुलिस से बच सकते हो, अपने भाई को उसके सामने पेश कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि हाँ इसने किया, और मान लो कि उसने कबूल भी कर लिया ये जानते हुए कि मेरे बड़े भाई ने ये किया है, तो तुम क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक इन फ्यूचर जीसस तुम्हें माफ करेंगे? इन फ्यूचर जीसस तुम्हें सजा नहीं देंगे? इन फ्यूचर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिस तरह की आज होने वाली है? फादर मैं क्या करूं, मेरा छोटा भाई है, मैं उसे भी नहीं बोल सकता। जीसस ने कहा है जो अपनी गलतियों को मानता है, उसकी गुनाहों को वो कबूल करता है,
तो उसकी सजा उतनी ही कम हो जाती है। अगर तुम सच्चे दिल से इसको मानते हो, समझते हो, स्वीकार कर रहे हो, तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। जीसस वो देख रहे हैं, वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम कितने सच्चे हो और कितने झूठे हो। तुम मुझसे झूठ बोलकर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते। फादर मैं सच में बोल रहा हूँ फादर, मैं झूठ नहीं, मेरा भाई नशा करता है, दारू गांजा, इसके नशे में उसने कर दिया फादर। फादर आप हम दोनों को बचा लीजिए, आप कर सकते हो फादर। अगर तुमने नहीं किया है तो तुम्हारी आंखों में झूठ क्यों दिख रही है फादर? पुलिस पर यही बोल रही है फादर, मैंने नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया फादर। मैं जीजस को मानते हो? हाँ फादर। तुम उनका नाम लेकर मुझसे ये कहो कि मैंने ये नहीं किया। उनका नाम लेकर सच्चे दिल से कहो कि मैंने ये नहीं किया। और एक बात याद रखना, अगर तुम आज उनका झूठा नाम लेते हो, तुम्हारी ये झूठी जिंदगी भी फिर किसी काम की नहीं रहेगी। जैसा कि हमें बाइबल में बताया गया, झूठ आदमी को अंधेरे की ओर लेके जाता है, और वो अंधेरा इतना काला होता है, इतना काला होता है कि वहां घुस जाने के बाद, उस अंधेरे में चले जाने के बाद लोग वापस नहीं आ पाते। इसलिए माय सन, जो तुम्हारे दिल में है, जो तुमने किया है और नहीं किया है, बस एक बार जीसस के नाम को लेकर तुम मुझे ये कह दो, मैं पुलिस से कह दूंगा कि हाँ तुमने नहीं किया, बस कह दो। फादर जीसस का नाम लेके बोल दो, मैंने सच में नहीं किया फादर। नहीं किया? नहीं किया। ये झूठा इल्जाम मेरे पे, मैंने नहीं किया। नहीं किया? मैं बताऊं तुमने ये किया है? नहीं। क्यों? मैं इसका सबूत तुम्हें दे सकता हूं। ये तुम्हारे चेहरे पे ये जो उंगलियों के निशान है, ये वो बता रही है कि उस दुखी लड़की ने तुम्हें मारा है। ये तुम्हारे हाथों में नाखूनों के निशान, ये वो बता रहे हैं कि तुमने उससे कितनी दरिंदगी से उसकी बलात्कार की। फादर मैं आपको कैसे, तुम अपने मन की बातें छुपा रहे हो, पर ये तुम्हारे जिस्म जो है ये बता रहा है। फादर ये तुम्हें भागते भागते लग गया मुझे। और ये गालों पे निशान? उसी के फादर, मैंने नहीं किया। मैं सुबह से भाग रहा हूँ पुलिस से बच के। मत भागो, तुम आज पुलिस से भाग रहे हो, सच से भाग रहे हो, पुलिस से नहीं, सच से भाग रहे हो। और जिस दिन इसकी चोट पड़ेगी, ये मालूम है तुम्हें कि वो जो चोट होती है ना, झूठ की जो लाठी होती है, बहुत जोर की पड़ती है, बहुत जोर की लगती है, और उसका एहसास जब होता है तो आदमी अपनी शुद्ध बुद्ध खो जाता है। फादर मैंने तो अब जीसस का नाम लेके बोल दिया, मैंने सच में नहीं किया फादर। मैं क्या करूं कि आपको भी इससे यकीन हो जाए? फादर मुझे बचा लीजिए फादर। मैं नहीं बचा सकता हूं तुम। फादर आप ही कुछ कर सकते हो फादर। तुमने मुझसे झूठ कहा है फादर। मैं नहीं झूठ बोल रहा हूं, मुझसे मैं सच बोल रहा हूं। झूठ बोला चलता है? तुमने जीसस का नाम लेकर झूठ बोला है फादर, और ये तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। फादर मेरे आंखों में आपको दिख रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे दिख रही है। फादर आप करो कुछ। मैं कुछ नहीं, कोई नहीं बचा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम सच का साथ देते तो मैं कुछ कर सकता। सच का साथ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। तुम अपनी गलती को छुपा रहे हो, अपनी गलतियां दबा रहे हो। स्वीकारना सीखो। अगर तुम्हें आगे जिंदगी अच्छी चाहिए, अगर तुम जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, फादर मैंने बिना किसी परेशानी नहीं, तो मैं कैसे कबूल कर लूं? तुम इसे कबूल करो, अगर तुम सच्चे इंसान हो तो, वरना झूठों की इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं। एक ना एक दिन उन्हें वो भोग कर ये दुनिया छोड़नी पड़ती है। फादर
और वो आज तुम नहीं मिलेगा, चलो ठीक है पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया, कुछ दिनों के बाद तुम्हें जरूर मिलेगी वो सजा। फादर मैंने जो गुनाह किया ही नहीं, मैं तो सजा कैसे मिलेगी? चारों तरफ से फंस गए हो। चलो ठीक है मैं मान गया, बस आगे के लिए तुम तैयार रहना कि जो सजाएं तुम्हें मिलने वाली हैं जीसस की तरफ से, उन सजाओं को झेलने के लिए तैयार रहना। मैं तो बस तुमसे यही कहना चाहूंगा। जब आप जब भागते आए तो आपके चेहरे पे वो डर लगा? उस टाइम में भागीरथ तो डर के आ रहा था, वो सही था। अगर कोई बंदा उसने वो चीज़ की ही नहीं और सामने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, बोलते नहीं तुमने किए, तो थोड़ा आदमी ना चिड़चिड़ा हो जाता। उसने एक्सेप्ट नहीं किया इसीलिए आपको लगा नहीं कि उसने रेप किया था? जुड़वा भाई और वो सब कहानियाँ नहीं लगी आपको? चलो क्या दिया था सुनते हम लोग। मेरा बैकग्राउंड ये था कि मैं एक फादर हूँ चर्च में, और जब कन्फेशन होते हैं, आते हैं वहाँ से कन्फेशन करते हैं अपने लोग, तो वो लोग जो भी सच होता है वही बताते हैं। वो चाहे कितना भी बड़ा क्राइम किया हो वो लोग सच बताते हैं, और फादर से उस चीज़ का मतलब सलाह मांगते हैं कि मैं इस चीज़ से मुक्त कैसे हूँ, कि मैंने ये गुनाह तो कर दिया है पर फादर मैं क्या करूँ जो ये हट जाए। जैसे कोई किसी ने किसी को मार दिया है या किसी को भूखा छोड़ दिया, किसी का घर लूट लिया, तो फादर भी उसी तरह से सलाह देते हैं कि तुम इतनों को खाना खिलाओ या इतनों को घर दो, कपड़े दो, या बहुत सारी चीज़ें होती है, पानी होता है उसमें उनको नहलाया जाता है या डुबकी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो बोलते हैं कि आके चर्च आओ, इतने दिन चर्च आओ, तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है उनको जो फादर बताते हैं। तो वही ये मेरे पास आया है और ये मुझे दिख रहा है कि इसने सच में रेप किया है, क्योंकि फादर जो होते हैं वो बातों से पकड़ते हैं, आप झूठ भी बोलोगे तो वो पकड़ लेंगे, क्योंकि उनकी बातें जो होता है घबराहट होती है या एक कॉन्शियस होता है माइंड, वो बोल कुछ और रहा है पर वॉइस टोन कुछ और जा रहा है, उनसे वो चीज़ वो पकड़ते हैं। ठीक है, तो वही मुझे दिया गया था और मुझे इतना पता था कि ये रेप करके ही आया है, ये मुझे पता है, मतलब इसके बातों से पता चल गया। मेरी बैक स्टोरी ये थी कि मेरा एक जुड़वा भाई है, रेप उसने किया है, वो नशा करता है, दारू पीता है, गंजेड़ी है, रेप उसने किया है और वो भाग गया है, और अब इल्ज़ाम मेरे पे है और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, और मैं भागते भागते चर्च में आ गया, और मेरा लास्ट एक ही पॉइंट मतलब ये है कि मैं बच सकता हूँ, वो एक ही चीज़ है कि फादर मैं उनसे ही बच सकता हूँ, मुझे दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो ये करता है। और जो आपने बोला कि मैं बाद में थोड़ा शांत हो गया फिर डरावना चला गया, ये इसलिए हुआ कि फादर बोले क्योंकि मेरे परमिशन के सिवा पुलिस अंदर नहीं आ सकती, इसलिए मैं थोड़ा शांत हो गया, मुझे लगा नहीं अब तो इधर तो सेफ हूँ। और बाद में जो तू भी बोला कि थोड़ा हड़बड़ा होना चाहिए, तो मुझे एक तरफ से ये भी बोला है कि मेरा जो भाई है जुड़वा, मुझे उसकी भी फिक्र है। न्यूट्रल बोलना ठीक है, न्यूट्रल बोलना फादर के कैरेक्टर के हिसाब से, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाना भी तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारे कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाना भी आना चाहिए, जहाँ पर तू बीच में बोल सकता था उसको, एंड दैट ऑल यू आर टेलिंग मी नो कि माई ट्विन्स ब्रदर एंड ऑल दिस थिंग्स इज बुलशिट, आई नो वेरी वेल व्हाई यू आर लाइंग, इट्स अ होम ऑफ गॉड, यू कांट लाई हियर, टेल मी व्हाट हैपेंड। और जो तू बोल रहा है वो, अब उसको तो बैकग्राउंड ये था ना कि मैंने किया ही नहीं है, बट तेरे लिए था, उसी ने किया है, तो वो दोनों का जो टकराव है और पावरफुली जा सकता था, रो सकता था, बार बार तू आके देख सकता था, मान ले डोर है ओपन या कुछ, तू इमेजिन कर सकता था ना कि आके कोई आ तो नहीं रहा है, फादर वो कभी भी आ सकते हैं, फादर प्लीज बस आप, मैंने बोला था फादर ने बोला तो तेरा काम बन गया, पुलिस वाले जब भी आएंगे फादर सिर्फ आप इतना बोलो कि मैंने वो किया नहीं है, मेरा जुड़वा भाई है उसने किया है फादर, बाकी कुछ नहीं चाहिए फादर मुझे, हाउ कम आई विल टेल टू पुलिस दैट यू डिडंट कमिट दिस क्राइम, माय सन प्लीज रिलैक्स, व्हाट शुड आई टेल यू, आई डोंट अंडरस्टैंड, 4 साल की बच्ची, रिडिक्यूलस, बेचैनी, वो जा सकती थी, फिर तेरी तरफ से देखना, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, तेरी पूरी जद्दोजहद नजर आनी चाहिए थी। मुझे एक तरफ मेरे भाई की भी टेंशन होती, क्योंकि ऑनेस्ट है ना इंसान, इंसान ऑनेस्ट है तो वो बोल सकता था कि मुझे भाई की भी टेंशन है,
लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद ही फंस जाऊँगा तो कैसे होगा, घर परिवार मेरे ऊपर चलता है। जब एक बार इंटर कर लिया तो फादर क्या बोलेंगे उसके ऊपर तेरा डिपेंड है एक्टिंग। तूने बाहर ही डिसाइड किया था, पूरा एक्ट डिसाइड नहीं करने का इसमें। नॉर्मली नाटक में हम लोग पूरा एक्ट डिसाइड करते हैं ना, इसमें पूरा एक्ट डिसाइड नहीं करने का, वो को एक्टर के कोऑर्डिनेशन से ही आगे बढ़ते जाता है। क्लियर? आज का जो एक्सरसाइज था अपना, अपने पास 10 मिनट है, तो अगले क्लास में जो बाकी बचे हुए हैं उनसे भी करवाऊंगा, डोंट वरी। एक एक्टर की तौर पर आपकी समझ दिन ब दिन बढ़ते जानी चाहिए कि कल मैं एक एक्टिंग को इस नज़रिए से देखता था और आज मैं इस एडवांस कोर्स में एक कुछ महीने मैंने कंप्लीट कर लिए, अब मेरी सोच ऐसे ऐसे बदल गई है। तो बेसिक बात तो आपको सबको समझ में आई कि एक्टिंग इज़ नो एक्टिंग। सच्चाई के साथ जो हम वहाँ पर करते हैं वही एक्टिंग है। देखने वाले को लगना चाहिए कि ये बिल्कुल सच है। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए ये अलग अलग टास्क हम लोग आपसे करवाते हैं। तो हर किसी का पॉइंट शायद अलग होगा, तो मुझे वो शेयर करो आप 30 सेकेंड में कि मुझे आज के एक्सरसाइज से, जिन्होंने एक्ट नहीं किया वो किसी और को और का एक्ट देख के जो लगा वो बोलो, जिन्होंने एक्ट किया वो खुद का एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि मुझे ये पॉइंट मुझे एकदम प्रॉमिसिंग समझ में आया। मैंने ये सीखा कि मतलब जो भी है वो अपने अंदर से आना चाहिए ना। दूसरे एक्टर बोलते हैं तो हमें खुद पता चल जाता है कि उसके बाद हमें क्या बोलना है। मुझे ये कैरेक्टर करके बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कैरेक्टर किया नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं हुई लगभग, और मैंने मतलब सोचा पर किया नहीं। और अभी ये जब मिला मुझे, तो कल ही हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे, एक मेमोरी पावर होती है कि आप कितना अच्छा सुनते हो, कितना अच्छा देखते हो और कितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आपको देखकर भी आता है, सुन के भी होता है और टच होता है, बहुत कुछ ऐसे होते हैं। तो मैंने ऐसे ही अमिताभ बच्चन सर की एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी, उसमें एक फादर थे और जो अमिताभ बच्चन सर है वो उनके पास हमेशा जाते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होता था उनके पास जाते थे। तो वो सीन मेरे माइंड में, जैसे आपने बोला कि फादर का रोल करना है, मेरे माइंड में मतलब फटाक से वो एक दस्तक हुई। अच्छा लगा। और ये भी समझ में आया कि स्टोरी पे काम करना चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक्टर का। तो मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, पहली बात तो ये है। और दूसरी, हमें सामने वाले की सिचुएशन पता नहीं होती है, मतलब सामने वाले को क्या मिली है, उसके बाद भी हमें एक्ट करना होता है। अब वो डर नहीं है, जब हम आगे करने जाते हैं तो हम ऑफ कैरेक्टर में फील होते हैं और उसी में ध्यान होता है। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, मैंने भी ये फर्स्ट टाइम किया था। लाइक ऐसा सिचुएशन तो फर्स्ट टाइम था कि जहाँ पर हमें हम खुद बन के परफॉर्म करना है। और जैसे कि कल ही मेरी और अर्चना की लड़ाई हुई थी तो ऐसा लग नहीं रहा था कि अभी लड़ाई हुई है, इसलिए कि सच्ची में कुछ प्यार ही हो रहा है। साला कोई बैकग्राउंड देने के बाद, 2 मिनट 5 मिनट का बैकग्राउंड देने के बाद हम दोनों 2-2 घंटा तक नाटक कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये पता चला होगा। एक समय के बाद वाकई उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हो, वाकई लगने लगता है मैं फादर हूँ, वाकई लगने लगता है मैं क्रिमिनल हूँ, वाकई लगने लगता है मैं गर्लफ्रेंड हूँ जो बिल्कुल भी बेदाग है, वाकई लगने लगता है कि नहीं 2 साल से मेरे पीठ पीछे कुछ ना कुछ झमेला चल रहा है। और कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में आप वो कैरेक्टर बन जाते हैं। तो इससे ये समझना है आपको कि ये चीज़ अभी आपके हाथ में आई नहीं है, इसका सिर्फ ट्रेलर तुम्हें दिखाया है, इसमें महारत हासिल करनी होगी प्रैक्टिस से। जैसे इन बिटवीन हम लोग इस तरीके के एक्ट काफ़ी सारे करेंगे, तो करते 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 ना तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर का एक्टर ढूंढने में एक बहुत ज़बरदस्त वो सपोर्ट होगा इस टास्क का। और आने वाले समय में तो तुम बोलोगे सर ये तो, ये कैसे आराम से की जाने वाली एक्सरसाइज है कि जिसमें टाइम देना पड़ता है, एक क्लास में 2-3 लोगों की टास्क हो जाता है, लेकिन फिर जो समझ में आती है बातें वो अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपके एक्ट और अच्छे हो जाएंगे। कि रोक ही नहीं पाता डायरेक्टर, देखने वाला आदमी रोक ही नहीं सकता उनको, उसको लगता है चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। इतना ट्विस्ट, इतना टर्न, इतना इंटरेस्टिंग वो लोग उसको बनाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम काम ऑडियंस के लिए कर रहे हैं ना। तो अभी आज के इसमें अगर तुमने ये सीखा कि मैं नेचुरल हो जाऊँ उस सिचुएशन में, सहजता के साथ बात करूँ, तो अगला क्लास जब मेरा होगा
तब तुम फोकस करो उसको इंटरेस्टिंग बनाने पर, कि जो सर ने सिचुएशन दी है ना उसको मैं तड़का मार के इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, दोनों एक्टर, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है ना, सामने वाले एक्टर ने अच्छा काम किया तुम्हारा काम और अच्छा निकल के आता है। नहीं, वो उस मोमेंट में रहने का, शुरुआत में जैसे पहले एक दो मिनट होते हैं ना एक्ट शुरू होने के, तब तो तुम कॉन्शियस ही होते हो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है उतनी, उतनी मास्टरी नहीं है ना, लेकिन दो तीन मिनट, चार मिनट, छः मिनट, दस मिनट, फिर इन्वॉल्वमेंट बढ़ना शुरू होती है। और यही एक्टिंग, जो एक्टर्स भी है ना, दो एक्टर एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जैसे कौशिक और अर्चना ने एक एक्ट किया, मान लो ये एक्ट नहीं है, ये शूटिंग हो रही है, और दोनों को उनकी स्क्रिप्ट याद है, स्क्रिप्ट, और यही स्क्रिप्ट थी पूरी, तो जिस तरीके से तुम लोगों ने एक्टिंग की, कोई पकड़ पाएगा क्या कि ये झूठ था करके? यही एक्टिंग है फिर, और क्या। स्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट की तरह मत बोलो, जब मैं बात कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ तो मैं बात कर रहा हूँ ना, सो बातें करो, एक्टिंग इज ऑल अबाउट नेचुरलिटी, सहजता। जब कैरेक्टर कुछ खास अलग तरीके का मिल जाए वहाँ पर आप कुछ डिफरेंट तरीके से बोलना चाहो तो बात और, जैसे ऋतिक रोशन ने इसमें किया था, कौन सा, सुपर 30 में, उसका एसेंट उसको चेंज करना पड़ा ना। ऐसे कुछ कैरेक्टर होंगे जहाँ पर बिहारी, पंजाबी, सिंधी या कोई गुजराती, ऐसा कुछ भी कैरेक्टर है, बोलने का तरीका बदलना पड़ेगा, लहजा बदलना पड़ेगा, वहाँ पे बदलो, बट बेसिक चीज़ सॉफ्टनेस, स्मूथनेस, नेचुरलिटी, सहजता, बोलने में, बैठने में, चलने में, सोचने में। एफर्टलेस एक्टिंग तुम्हें अच्छी लगेगी क्या? एक बॉडी बिल्डर पोज दिखा रहा है, या एक डांसर डांस कर रहा है, या एक सिंगर गाना गा रहा है, तुम्हें बहुत जोर लगा के वो गाना गा रहा है वो पसंद आएगा, या एकदम अरिजीत सिंह जैसा सॉफ्ट सॉन्ग, कोई फेस पर एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, टेंशन नहीं, और मजे लेके गाना गा रहा है वो पसंद आएगा? एक्टिंग का भी वैसा ही, तुम्हें इसको मजा बनाना चाहिए, तुम्हें इसको एंजॉय करना चाहिए, तुम्हें उस मोमेंट में रह के उस कैरेक्टर को लाइफ देनी चाहिए। रणवीर सिंह कैसे करता है, जो भी कैरेक्टर मिलता है उसको फुल ऑन घुस जाता है उसमें। कपिल देव केस में भी घुस गया, बीच में गली बॉय केस में गया था, फिर पद्मावत में, तो तुम भी रणवीर सिंह से कम नहीं हो। तुम्हें भी जब एक टास्क दिया जाता है तो तुम्हारा माइंड तुम ऐसे प्रिपेयर करो कि यही मेरा पहला और ज़िंदगी का आखिरी एक्ट होने वाला है, जो मैं करने जा रहा हूँ पहला और आखिरी एक्ट होने वाला है, तो मैंने मेरी पूरी ताकत लगाई क्या, मुझे जो सिचुएशन दी गई थी उसमें, उतना सोचना है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस पे छोड़ देना है। एक ही दिन में नहीं हो पाएगा, समय लगेगा, बट आपके पास 6 महीने, 1 साल है, तो आने वाले समय में आप उसी चीज़ को तय तक समझने की कोशिश करो, छोटी से छोटी डिटेल जो है उससे रिलेटेड उस पर काम करो। ऑटोमेटिकली एक समय के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एकदम इजीली आप सब कुछ करने लगोगे। लाइक साइकिल पहले चलाना, बाद में 2 महीने बाद चलाना, और 1 साल बाद चलाना, सेम चीज़ है। अभी जिनमें हिचक है, झिझक है, वो लोग उसको तोड़ो। जिनको लगता है कि मैं एक लेवल अप आया हूँ, वो लोग मुझे सरप्राइज करने की कोशिश करो। आप में से कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, अगर मैं उनको हमेशा उसी लेवल पे देखूं कि उसके बियॉन्ड तो जा ही नहीं रहा है, तो मुझे कुछ खास लगेगा नहीं ना उसके। तो आप में से जिनको लगता है कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, प्रूव इट, तुम्हारे एक्ट के जरिए प्रूव करो, कि देख के मुझे लगना चाहिए वाह यार मज़ा आ गया, वाकई अब इसमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। सो जिस लेवल पे आप हो ना, उस लेवल पे एक 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 स्टेप आगे की चीजें क्रॉस करने की कोशिश करें। दोस्तों, आपको एक्टर बनना है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए सबसे अच्छा और किफायती एक्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, लेट्स एक्ट एक्टर स्टूडियो मुंबई। 3 महीने का एक्टिंग ट्रेनिंग और रहने की सुविधा सिर्फ 31,500 रुपए में। जिनके पास रहने की सुविधा है उनके लिए एक्टिंग कोर्स की फीस होगी सिर्फ 15,000। मंडे टू फ्राइडे रोज 1 घंटा क्लास होगी। कोर्स में डिक्शन ट्रेनिंग, कैमरा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग और ऑडिशन की तैयारी करके ली जाएगी। कोर्स होने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और मुंबई में होने वाले ऑडिशन की जानकारी भी दी जाएगी।
इतना ही नहीं बल्कि आपको प्रोडक्शन हाउस के नाम, नंबर्स और एड्रेस भी दिए जाएंगे ताकि आप अपने सपने पूरे करें। अधिक जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए जिसका नाम है विनय शाक्या लेट्स एक्ट एक्टर स्टूडियो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अभी ₹500 भर के रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक्टिंग ट्रेनिंग के दौरान आपको दिया जाएगा फिल्म सिटी टूर बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों बिना देर किए अपने सपने पूरे करने के लिए पहला कदम बढ़ाइए। अगर आप एक्टिंग में ही करियर करना चाहते हैं तो हमारे 2 months, 3 months, 6 months एंड 1 year ऐसे और भी एडवांस कोर्सेज हैं जिनकी जानकारी के लिए दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए।